ये जो हमारा हैंड टूल्स का सेक्शन आपको दिख रहा है वो हैंड टूल्स का सेक्शन इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये होती है एक नॉर्मली पाइप रेंच। ये हमारे पास छोटे से लेके बड़े साइज में अवेलेबल है, जैसे कि हमारी 10 इंची की पाइप रेंच है, उसके बाद ये हमारी 12 इंची की पाइप रेंच हो गई, और ये पाइप रेंच है आप देख रहे हो हैवी ड्यूटी में 18 इंची की पाइप रेंच। यहाँ पे हमें ग्रिप भी मिलती है। उसके बाद ये एलुमिनियम में 18 इंची की पाइप रेंच है, ये हमारी 18 इंची की पाइप रेंच है, और ये हमारी 24 इंची की पाइप रेंच है। इसको हम बोलते हैं ग्रीस गन। ये जो मशीनरी वगैरह होती है हमारी, मशीनरी में ग्रीस भरने के काम आती है। ये कुछ इस तरह से चलती है, यहाँ से प्रेशर बनाती रहती है। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी क्विक क्लैंप की रेंज। ये क्लैंप्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक क्लैंप। ये भी हमारे पास लगभग सभी तरह के साइजेस में अवेलेबल है, जैसे अभी आप अपने डिस्प्ले में देख रहे हो। क्रिम्पिंग टूल, ये हमारा हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल होता है। ये भी हमारे पास लगभग सभी साइजेस में अवेलेबल होने वाला है, जैसे कि ये हमारा 10 इंची का हो गया। उसके बाद ये हैवी ड्यूटी में और आता है, ये और हैवी ड्यूटी में हो गया। ये है हमारी वुड चिजल्स की रेंज। यहाँ पे हमारे पास सभी तरह की वुड चिजल्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ये हमारे पास 9 mm की वुड चिजल्स है, 12 mm की वुड चिजल्स है, 14 mm की वुड चिजल है, 22 mm की वुड चिजल है, यानी कि ये लकड़ी वगैरह को छिलने का काम करती हैं। उसके बाद ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं वुडन फाइल। ये भी हमारे पास लगभग सभी तरह के साइजेस में अवेलेबल हैं, जैसे आप देख रहे हो ये हमारी राउंड वाली फाइल है, और ये जो होती है ये हमारी फ्लैट वाली फाइल होती है। ये है हमारा सोल्डरिंग आयरन। ये आपके घर में भी सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला आइटम है। वो कैसे, जैसे आप क्या होता है कभी कभी रिमोट चला रहे हो, रिमोट काम नहीं करता है, उसके अंदर से हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में टाका, टाका टूट जाता है। वो टाका लगवाने के लिए 30 से 40 रुपये देता है इलेक्ट्रीशियन। आप इसको लेकर वो सारे काम घर में कर सकते हो। देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे बोल्ट कटर, इससे हम अपना बोल्ट वगैरह काट सकते हैं। ये है हमारा 24 इंची का बोल्ट कटर, और ये है हमारा 18 इंची का बोल्ट कटर। 25 पीस का सॉकेट का सेट, इसमें सभी तरह के सॉकेट्स आपको मिलेंगे। ये कार मैकेनिक्स को और बाइक मैकेनिक्स की सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला आइटम है। देन उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो ये भी हमारी रैचिट हो गई। ये हमारा सॉकेट का सेट है, इसमें आपको हमारे पास 10 नंबर से लेकर 24 नंबर तक सारे साइज़ की गोटी अवेलेबल होगी। उसके बाद ये भी हमारे एक सेट आता है सॉकेट का, इसके अंदर भी आप 10 नंबर से लेकर 24 नंबर तक की सारी आपको गोटी अवेलेबल रहेंगी। ये डीप इम्पैक्ट सॉकेट सेट, कभी कभी क्या होता है लंबे लंबे नट बोल्ट्स होते हैं, उसके लिए हमारा ये वाला सेट आता है। इसके अंदर आपका 10 नंबर से लेकर 24 नंबर तक सारे साइजेस अवेलेबल रहते हैं। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रैचिट। ये कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप अपना कोई भी सॉकेट लगाओ और सॉकेट लगा के आप उसको टाइट कर सकते हो। ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और जो इसका साइज है, इसका साइज है 200 mm, यानी कि 8 इंची का रैचिट। उसके बाद ही हमारा 10 इंची का रैचिट आता है, ये भी 10 इंची का रैचिट आता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग टी बार। आप इसमें यहाँ पे भी अपना सॉकेट लगा सकते हो, यहाँ पे भी सॉकेट लगा सकते हो, यहाँ भी सॉकेट लगा सकते हो, यहाँ भी। ये सारे आइटम्स जो हैं ये कार और बाइक मैकेनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइटम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये है हमारा कॉम्बिनेशन स्पैनर का सेट। इसमें आपको 8 अलग अलग तरह के स्पैनर मिलते हैं, 6 mm से लेकर 19 mm तक। और उसके बाद ये जो आता है ये हमारा रैचिट स्पैनर का सेट होता है, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के स्पैनर मिलते हैं। अगर आप अलग से स्पैनर लेना चाहते हो तो आपको 8 नंबर के, 10 नंबर के, 12 नंबर के सारे स्पैनर सिंगल पीस भी हमारे पास अवेलेबल है, जो आप देख रहे हो अभी। ये बड़े काम की चीज़ें, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल रेंज। ये इस तरह से एडजस्ट होती है, और ये हमारा 8 इंची का एडजस्टेबल रेंज हो गया, ये भी हमारा 8 इंची का एडजस्टेबल रेंज हो गया। क्लास की रेंज, ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं मिनी फ्लैट नोस वाला प्लास हो गया। ये हमारा इसको बोलते हैं हम एविएशन स्ट्रिप। ये क्या होता है, जैसे आपकी चादर हो गई, लोहे की पत्ती हो गई, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जो उसको कटिंग करने के यूज़ में आती है। ये हमारी 10 इंची की है, और इसमें भी हमारे पास छोटे बड़े सारे मॉडल्स आते हैं। ये है हमारा फोल्डेबल मल्टी फंक्शनल टूल। इसमें आपको सिर्फ प्लास दिख रहा है, लेकिन आप इसमें कम से कम 12 से 15 काम कर सकते हो। ये आपने देखा होगा, आप अपनी बेल्ट में या पर्स में होल कराने जाते हो, इसको बोलते हैं लेदर होल पंच। ये लेदर की बेल्ट वगैरह हो गई, जैकेट हो गई, उसमें होल करने के लिए यूज़ आता है। ये हमारा 2.5 mm से लेकर 5 mm मोटर सभी तरह के होल्स कर सकता है। TCT होल्स जी, इसको क्या होता है, ये जो आपकी हैमर होती है, आप इसे अपनी हैमर में लगाकर अपने जो कंक्रीट के पिलर्स हो गए, या फिर आपके ये चौके वगैरह हो गए, RCC का लेंटर हो गया, उसमें होल कर सकते हो। किसकी, इसके साथ ये किसका अटैचमेंट आता है, और ये किसकी की आती है। इसकी कैपेसिटी है 22 mm, और उसके अलावा एक इसका ये आता है 32 mm का होल सा। इसकी जो काम होता है, ये आपका लोहा हो गया, मेटल हो गया, स्टील हो गया,
उसमें होल करने के यूज़ में आती है। ये जो है ये भी हमारे पास लगभग सभी तरह के छोटे से बड़े सारे साइजेस में अवेलेबल होती है। ये है हमारा होल सा का सेट, ये एक बहुत ही यूज़फुल आइटम है। इसको मैं सबसे पहले आपको खोल कर दिखाता हूँ ये है क्या चीज़। इसमें हमें होल सा का पूरा सेट मिलता है। इसमें हमें हमारे पास 20 mm से लेकर 50 mm तक के काम करने वाले सारे होल सा होते हैं, जो मेटल में राउंड कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके एडजस्टमेंट आते हैं ड्रिल मशीन में लगाने के लिए, हैमर मशीन में लगाने के लिए। तो ये हमारे पास भरपूर क्वान्टिटी में स्टॉक अवेलेबल है। इसको बोलते हैं वायर ब्रश कप। इसका क्या काम होता है, इसको आप जो अपने एंगल ग्राइंडर आता है एंगल ग्राइंडर पर लगा सकते हो। ये जो आपका मेटल पे या लोहे पे किसी भी चीज़ पे धूल होती है जिसको हम जंग बोलते हैं, ये वो जंग को काफ़ी ज़्यादा जल्दी साफ़ कर देता है। ये भी हमारे पास सारे साइजेज में अवेलेबल है। रैचिट क्लिपिंग क्लर्क की जो रैचिट होती है उसको क्लिम करने के काम में आता है। एंड ये भी सारे साइजेस में अवेलेबल हैं, छोटे साइजेस भी बड़े साइजेस भी। ये आपका हथौड़ी का भी काम करेगा, प्लर्स का भी काम करेगा। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे मल्टी फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये है हमारा 250 mm यानी कि 10 इंची का गार्डन शेयर। इसका काम क्या होता है, ये कश्मीर से हिमाचल से सबसे ज़्यादा हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आती है। ये जो भेड़ होती हैं, भेड़ों के ऊपर जो ऊन होती है वो ऊन को काटने का काम करता है। और ये कोडलेस है, बैटरी से चलने वाला है और पीछे बैटरी लगती है। बैटरी चार्जर नहीं आते हैं, वो आपको अलग से लेना पड़ेंगे। ये है हमारी सारी सीजर्स की रेंज। यहाँ पे हमारे पास कपड़े काटने से लेकर लोहे काटने तक की सारी सीजर्स अवेलेबल हैं, जिसको अभी मैं वीडियो में अगर डीप में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ये आते हैं हमारे नाइफ ब्लेड। इसके बारे में अगर मैं एक एक करके बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और इसके आपको अलग से भी हमारे पास ब्लेड्स का सेट आता है, ये 5-5 पीस का पैकेट आता है, ये आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं जी क्लैम्प। ये हमारे पास 4 इंची से लेकर 12 इंची, 14 इंची, 18 इंची सारे साइजेस के क्लैंप अवेलेबल हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, 4 इंची का, 5 इंची का, 6 इंची का, 8 इंची का, सारे क्लैंप हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आइटम भी आपको रेयरली मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। ये हाइड्रोलिक स्टील जो होता है, हाइड्रोलिक स्टील को काटने वाला कटर आता है, उसके ब्लेड्स होते हैं, उसमें लगाए जाते हैं स्टील की कटिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये सारी हॉक्सा की फ्रेम आती है, बड़े से लेकर छोटे सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये लोहे को, तार को, स्टील को काटने में यूज़ होते हैं। ये आपने देखा होगा, ये गार्डन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये आपके पेड़ हो गए, पेड़ों की पत्ते हो गए, उसको काटने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा एलन की का सेट है और ये बॉल पॉइंट वाला है। यहाँ से आप इसको एलन की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ के नीचे आपको बॉल वाला पॉइंट मिलता है। ये भी सभी साइजेस के अवेलेबल हैं। ये जो डाई ग्राइंडर होता है, डाई ग्राइंडर के सारे अटैचमेंट का एक पूरा बॉक्स आता है। उसके बाद ये आते हैं हमारे मैनसनरी ड्रिल बिट्स का सेट। 4 mm से लेकर 10 mm तक का पूरा सेट मिलता है। मैनसनरी मीन्स ये जो दीवार में जितने भी हम होल्स वगैरह करते हैं, ये उसके काम में यूज़ होते हैं। ग्लास ड्रिल बिट्स मतलब आपने देखा होगा, जो आप कांच वगैरह में हमें सुराख करना होता है, ये उसके लिए यूज़ होते हैं। ये भी हमारे मैनसनरी ड्रिल बिट्स आते हैं। ये दीवार में सुराख करने वाले जो ड्रिल बिट्स होते हैं, ये वो सारे होते हैं। ये भी हमारे पास सारे साइजेस में अवेलेबल है। मेटल में सुराख करने वाले ड्रिल बिट्स की रेंज, तो ये हमारा 3 mm का पैकेट आता है। ये दिखने में कुछ इस तरह होता है, मैं आपको बाहर निकाल कर भी दिखाता हूँ। आप दिखने में कुछ इस तरह होता है, ये 3 mm का है, 10 पीस का पूरा पैकेट आता है। ये 4 mm का हो गया, 5 mm का हो गया, 6 mm का, 10 mm का, 6 mm लगाने का ब्लेड्स आता है। ये हमारा वुड के लिए होता है, ये वाला आता है, ये भी आपको वुडन के लिए मिलेगा। और ये वाला जो आता है, ये वाला आता है मेटल के लिए। ये हमारा SDS बीट आता है, इसको हम हैमर पे लगाते हैं। ये 18 mm का बीट है और ये छोटे बड़े सारे साइजेस में हमारे पास अवेलेबल है। ये आती है चीजल। चीजल्स मीन्स ये हमारी पॉइंटेड चीजल है और ये हम डेमोलिशन ब्रेकर में या अपने हैमर में लगाते हैं। इसका जो काम होता है, चीज़ों की तुड़ाई फुड़ाई की यूज़ करी जाती है। अपना 7-पीस नट स्क्रू ड्राइवर सेट, ये बेसिकली स्क्रू ड्राइवर होता है नट और बोल्ट खोलने के लिए। इसमें आपको 6 mm से लेकर 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 7 अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। ये आता है हमारा 24 mm का सेट आता है। आता है हमारा 8-पीस का सेट, इसमें आपको 8 अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। ये आते हैं हमारे स्क्रू ड्राइवर्स, ये जो मोबाइल्स वगैरह का काम करते हैं, ये उनके लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्लॉटेड, इनस्लॉटेड सभी तरह के स्क्रू ड्राइवर मिलेंगे, छोटे बड़े सारे साइजेस के। अगर मैं आपको पूरा बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टेस्ट पेंसिल, इससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं बोर्ड में कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है। उसके बाद ये भी जो आपको दिख रहा है, ये भी मोबाइल्स के काम जो लोग करते हैं उनके लिए आने वाला स्क्रू ड्राइवर का सेट है। इसको हम बोलते हैं कुल्हाड़ी। ये क्या होता है, पेड़ वगैरह काटने के लिए यूज़ आती है, और जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो ये
दिन में कई बार यूज होने वाली चीज होती है। हमारे पास आपको 800 ग्राम की, 600 ग्राम की, 400 ग्राम की, 1 किलो की सारी कुल्हाड़ी अवेलेबल होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी अंदर से मेटल है, इसके ऊपर फाइबर की कवरिंग हुई है ताकि आपकी अच्छे से ग्रिप बन जाए। ये सारे मैं आपको हैमर्स दिखाता हूँ। ये हमारे पास 500 ग्राम का हैमर होता है, ये 500 ग्राम का हैमर है, ये मेटल वाला हैमर है। ये आते हैं हमारे पॉइंटेड हैमर्स, ये भी हमारे पास 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलो का, 5 किलो का सारे आते हैं। ये हैमर आता है रबर वाला हैमर, जैसे कि आपका ब्रास वगैरह हो गया, ब्रास पे काम करने के लिए, या प्लास्टिक के आइटम पे, सिलिकॉन पे काम करने के लिए। इस वीडियो के अंदर आज मैंने आपको इंको ब्रांड के लगभग सभी तरह के हैंड टूल्स दिखाने की कोशिश करी। और ये सारे हैंड टूल्स दिखाने के बाद अब मैं आपसे फाइनली बात करूंगा कि अगर आप ये पावर टूल्स या हैंड टूल्स खरीदना चाहते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिख रहा होगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जो भी टूल लेना चाहते हो उसका नाम या फोटो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल पर बात कर सकते हो। हम आपको एक पीस भी और 100 पीस भी आपके दरवाजे तक डिलीवरी प्रोवाइड कराएंगे। अगर दूसरी बात मैं आपसे करूँगा कि अगर कोई पर्सन ये इनको के टूल्स देखकर अपनी शॉप के लिए या इनको होलसेल करने के लिए हमसे डीलरशिप लेना चाहता है तो आप हमारे इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ और आपसे मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।